उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस को आज चौथे दिन बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में अरबाज नाम के एक अपराधी को मार गिराया है। हालांकि एक साथी भाग सकने में कामयाब रहा है और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अरबाज नाम का एक अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है और परिवार के जो लोग हैं, उमेश पाल के परिवार वाले, हम उनके बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस तरह के इंसाफ की वो मांग कर रहे थे, जिस तरीके की मांग कर रहे थे कि जो भी अपराधी हैं जो इस वारदात में शामिल थे उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त उमेश पाल की माता जी हैं और उनकी बहनें हैं, परिवार के दूसरे सदस्य, उनके मामा जी हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक अपराधी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है, क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही बेटा कि जैसे उस दिन मेरे बेटे के जाने के बाद मुख्यमंत्री जी सुने तो उन्होंने दहाड़ा कि मैं कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी भी मिला दूंगा। तो जैसे मेरा बेटा मिट्टी भी मिला, वैसे सूटरों को मिट्टी भी मिला। जो उन्होंने कहा वो मुझे थोड़ा एहसास हो गया और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, उन्हीं के हाथ में है, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है बेटा, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। कोई विपक्ष पार्टी कुछ भी कहे मैं सुनने वाली नहीं, बहे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। लगता है कि वारदात में कई बदमाश शामिल थे, एक मार गिराया गया है, बाकी सबको भी ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाया। मुझे ये है भरोसा कि मुख्यमंत्री जी जैसे ये हुआ है और जो सूटने हैं उनको भी इसी अंजाम तक पहुँचा दें और जो पहुँचाएगा मेरी आत्मा को तसल्ली। मेरा बेटा गया है, मेरी आत्मा तड़प रही है, तो जैसे मेरी आत्मा तड़प रही है वैसे जिन्होंने मारा उनकी माँ का आत्मा तड़पे। उमेश जी तो अब लौट कर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर अपराधियों को सजा मिलेगी तो कम से कम परिवार के लगेगा कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ मिलने से मेरी दिमाग संतुष्ट, मेरा आत्मा संतुष्ट, आगे के लिए मुझे उम्मीद रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से मुझको बहुत बड़ा सहारा मिला। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि जो भी माफिया हैं, जो लोग इस घटना में शामिल थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो वो मिट्टी में मिलाए जाने की जो अभियान है उसकी शुरुआत हो जी शुरुआत हो गई है और जिस चीज़ से हमको बाबा जी से उम्मीद थी उन्होंने वो पूरा कर दिखाया और अभी भी आगे जो शूटर हैं उनको भी उम्मीद है कि इसी तरह बाबा जी हम लोग को न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी से और कुछ कहना चाहते हैं? जी बस इतना ही कहना है हमको। देखिए उमेश पाल के मामा जी हमारे साथ हैं, परिवार के कुछ और लोग भी, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया, क्या लगता है कि सीएम योगी ने जो कुछ कहा उसे करके दिखा भी रहे हैं? हाँ, उन्होंने शुरुआत कर दिया और हम योगी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हम ही चाहते हैं कि हमारी बहन से एक बार मुलाकात हो जाए, हमारी बहू से मुलाकात हो जाए, फिर इनके मन में क्या है फिर ये बताएंगी। हाँ, सबसे कहने से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसे बहुत हमारे परिवार को, शहर को, प्रदेश को, मतलब सबको बहुत तकलीफ, बहुत ही दुख है। बस जो बाकी बदमाश वारदात में शामिल थे उन सब के खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, जैसा अभी हुआ है ऐसे ही सबके साथ होना चाहिए, बस सारे शूटरों के साथ इसी तरह सेम इसी तरह एनकाउंटर सबका चाहिए, मुझे सबका एनकाउंटर। योगी जी ने माता जी जो कहा था कि हम जो भी माफिया लोग हैं सबको मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जो कहे थे अब वो कर रहे हैं लगता है आप लोगों का? हाँ, मुझे विश्वास है जो उन्होंने कहा था वो कर रहे हैं, अब आगे उम्मीद है कि करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, मुझे इंसाफ दिलाएंगे, पूरा भरोसा है मुझे मुख्यमंत्री जी को। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसे माहौल में कोई खुश तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक संतुष्टि जरूर मिलती है। मेरा बेटा गया अभी तो समझ लें मेरे आग लगा है और संतुष्टि तो मुझे जीवन में नहीं मिलेगी, इसलिए कि दोबारा तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये जैसे मेरा बेटा गया है तो मैं तड़प रही हूँ। इससे जो आज हुआ एनकाउंटर तो उसका परिवार भी तो तड़पे, जो मुख्यमंत्री जी ने किया है
वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आगे करते रहे, मुझे यही उम्मीद है। निश्चित तौर पर जो परिवार के लोग हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात की संतुष्टि दिलाई कि जो लोग आप उस वारदात में शामिल थे उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, और परिवार को इस बात की उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि माफिया को और वारदात में शामिल लोगों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो जो बाकी अपराधी हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।